इसके नेक्स्ट पार्ट की। आज हम देखेंगे हाफ रेंज सीरीज। हाफ रेंज सीरीज क्या होता है, फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज, ये सब क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है, मजा आएगा। अभी तक अपन स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना, तो जो पहला लेक्चर था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि फॉर्मूला बहुत बड़ा था, ए एन बी एन ए नॉट सब निकालना था। बट अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, चीजें कम होती जाएंगे, मजा आएगा। ठीक है, बस इंटीग्रेशन क्लियर रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन क्लियर रखो। ठीक है, इसके नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और पुराने वीडियोस देख लो तो भी आईटी पे दिख रहा होगा, वहां से तुम एक्सेस कर सकते हो। और बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ पहले भी, लैपलास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह वो देख सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स देख सकते हो। उसमें मैंने तुम्हारे जो बेसिक कंसेप्ट में दिक्कत होती है वो सारी चीजें क्लियर करी, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर हुआ, सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल डिफरेंशिएशन, वो सब बच्चों को मेनली उसी में दिक्कत होती है, मैं फोकस उन्हीं पे करता हूँ, तो वो क्लियर कर लोगे ना तो ये सब चीजें बहुत ईजी है। ठीक है, और चलो देखते हैं। हाफ रेंज सीरीज, साइन एंड कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली जैसे हमने इवन ऑड में देखा था ना, फॉर्मूले वही रहेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि वहां पे हमारा इंटरवल क्या होता था, माइनस एल टू एल या फिर माइनस ए टू ए। अब हमने यहाँ पे इंटरवल हाफ कर दिया जीरो टू ए, तो हमने वहां क्या कहा था कि माइनस एल टू एल में हमारा फंक्शन इवन है तो ये फॉर्मूला होगा, ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर फंक्शन जीरो टू एल में बात करें तो फॉर्मूले तो वही रहेंगे, बट इंटरवल आधा हो जाएगा, इंटरवल आधा हो जाएगा, तो बस थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पे हमारी लिमिट जीरो टू एल हो जाएगी, और टू बाई एल हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा बाई एक्स बाई एल, मतलब ये जो अंदर है वो ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये चेंज आएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्टार्टिंग से। साइन एंड कोसाइन सीरीज फॉर एफ एक्स इन द इंटरवल जीरो टू एल, हाफ रेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी रेंज घट गई है, हमारी रेंज पहले माइनस एल टू एल थी, अब जीरो टू एल हो गई। ठीक है, हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इनफिनिटी बी एन साइन ऑफ एन बाई एक्स बाई एल, भैया पढ़ के क्यों बताते हैं, अरे पढ़ के इसलिए बताता हूँ, थोड़ा बहुत भी सुनोगे ना तो तुम्हें थोड़ा तो याद होगा एटलीस्ट कि यहाँ पे सब चेंज चलता आ रहा है, इसलिए हर वीडियो में मैं यही करता हूँ, पढ़ के इसलिए बता दूंगा ये। ठीक है, ये हुआ ये फॉर्मूलेस है। अब ये फॉर्मूलेस कैसे है, जो हमने इवन ऑड फंक्शन में फॉर्मूलेस निकाले थे ना, सिमिलरली हम यहाँ करेंगे और हमारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, तुम अगर देख रहे होगे तो तुम्हें सिमिलर ही लग रहा होगा, ये काय का फंक्शन है, मतलब ये काय का फॉर्मूला है, कब आता था, कौन से में आता था, ये इवन फंक्शन में आता था भाई, और ये काय में आता था, ये ऑड फंक्शन में आता था। ठीक है, तो फॉर्मूले भाई, तो अब क्वेश्चन देखते तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, तो अपन अब क्वेश्चन देख लेते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, जैसे इसमें अपने को बोला है फाइंड साइन एंड कोसाइन सीरीज, अगर तुम्हें ऐसा लिखा हो फाइंड हाफ रेंज सीरीज और स्पेसिफाई नहीं किया होगी साइन फाइंड करना है कोसाइन, तो हमें दोनों फाइंड करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं हाफ रेंज सीरीज लिख देता तो अपने को दोनों फाइंड करना होता, अगर ऐसा लिखा हो फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज तो अपन कोसाइन सीरीज फाइंड करेंगे, अगर साइन बोला तो साइन फाइंड करेंगे, और अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो अपन दोनों फाइंड करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो, तो इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड साइन एंड कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन fx equals to e raised to x in between 0 to pi, इंटरवल क्या दिया 0 to pi, हमारा क्या होता है 0 to l, मतलब l की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी l की वैल्यू, सिंपल है। अब अपन इसमें साइन और कोसाइन सीरीज फाइंड कर देते हैं, सबसे पहले कोसाइन सीरीज की बात करते हैं, कोसाइन सीरीज। ठीक है, कोसाइन सीरीज में क्या होता था, a नॉट निकालना है, an निकालना है, कोसाइन सीरीज में fx क्या होता था भाई, fx होता था a नॉट बाय 2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफिनिटी a n cos ऑफ n बाय x बाय पाई, क्योंकि n की जगह पे पाई है, तो ये इससे कट जाएगा तो सिंपल यहां पे बच जाएगा, काट ही देता हूं n से। ठीक है, तो cos n इक्वल जाएगा, तो अपने को a नॉट और n निकालना है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहां पे अपन a नॉट निकालते हैं, a नॉट निकालूंगा तो 2 अपॉन l होता था फार्मूला, 2 अपॉन l 0 टू l fx dx, तो 2 अपॉन पाई 0 टू पाई fx e रेस्ट टू x और dx, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट टू x क्या होता है भाई, e रेस्ट टू x ही होता है, 0 टू पाई 2 बाय पाई लिमिट्स पुट करेंगे तो e रेस्ट टू पाई माइनस 1 आ जाएगा, तो e रेस्ट टू 0 1 होता है, e रेस्ट टू पाई आ जाएगा, सही बात। ठीक है, चलो अब अपन बात कर लेते हैं an की, an का फार्मूला होता था 2 बाय l l की जगह पाई, 0 टू l 0 टू पाई f of x e raised to x cos of nx n pi x by l l की जगह pi, क्लियर है ना, सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करना है। ठीक है, अरे हो गया dx, pi से pi कट जाएगा तो यहां पे बचेगा सिर्फ cos of nx, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अगर तुम्हें याद हो अपन ये फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x cos of dx, याद आया, अब बोलोगे सर हाँ यार पढ़ा था,
याद नहीं आ रहा, अरे याद आ गया होगा, ठीक है ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है, एक बार में आंसर आ जाता है, बाकी तुम दूसरी मेथड भी लगा सकते हो, बाकी इसी फॉर्मूले को यूज किया करो जब एक्सपोनेंशियल और कॉस साइन साथ में हो, ठीक है। तो ये होता था, मैं करा देता हूँ एक बार याद, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी, अगर कॉस है तो पहले कॉस आ जाएगा, कॉस ऑफ बी एक्स और यहाँ साइन ऑफ बी एक्स, ठीक है। यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो अपना आ जाएगा टू बाय पाई e raise to x upon 1 plus n square, क्योंकि a की जगह 1 है और b की जगह n है, in bracket a की जगह 1 cos of nx plus n sin of nx और यहाँ जाएगा 0 to pi, clear है, बहुत easy है, simple अपन ने लगा दी, limits put कर देते हैं, सब limits put करेंगे तो जाएगा 2 by pi in bracket, तो मैं pi put करूँगा तो जाएगा e raise to pi upon 1 plus n square cos और ये जीरो ये माइनस होगा तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना हो गया ए एन का आंसर, ए एन आ गया अपने पास, बी एन आ गया अपने, सॉरी ए एन आ गया अपने पास, ए नॉट आ गया, इसमें पुट कर देंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, मैं ए नॉट की जगह तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट बाई टू, ए नॉट की जगह हो जाएगा टू बाय पाई ई रेज़ टू पाई माइनस वन अपॉन टू प्लस समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इनफिनिटी ए एन, ऐसी जैसी पूरी वैल्यू पुट कर देना, तो ए एन तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लंबा हो जाएगा, कॉस ऑफ एन एक्स, एन एक्स क्यों आया, एन पाई एक्स पाई एल था, एल की जगह पाई था तो पाई से कट गया, सिंपल आंसर आ जाएगा, टू से टू कट जाएगा तो ये अपनी हो जाएगी कोसाइन सीरीज। आया समझ, मैं बहुत स्लो इसलिए कर रहा हूँ तुम्हारे लिए जिससे तुम्हें चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जब खुद से करोगे तो तीन बार फास्ट होने लगेगा, जल्दी होने लगेगा, ठीक है। चलो अपन साइंस सीरीज देख लेते, तो अगर हम साइन सीरीज देखते हैं, साइन सीरीज कैसे निकालेंगे, साइन सीरीज, साइन सीरीज में एफएक्स की वैल्यू क्या होती थी, एफएक्स इक्वल्स टू होता था समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इनफिनिटी बीएम साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय एल, एल की जगह पे अपने पास पाई है, तो पाई पुट करते हैं, ठीक है, बीएम निकाल लेते हैं, तो बीएम की वैल्यू क्या होती थी, याद है क्या, बीएम की वैल्यू होती थी 2 बाय एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, साइन सीरीज होगा साइन होगा, साइन एन पाई एक्स बाय एल, सॉरी 2 by pi 0 to l f of x either way e raised to x sine of n pi x by l, ठीक है, l की जगह पे pi था तो pi कट कर दो, pi से pi कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा sin n x, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन वही फॉर्मूला अपने यहाँ लिख देते हैं, e raised to ax sine of bx का फॉर्मूला यूज करूंगा, ये हो जाएगा e raised to ax upon a square plus b square in bracket a sine bx minus b sine, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए पहले आएगा फिर साइन बी एक्स माइनस बी बाद में कॉस बी एक्स, ठीक है, याद हो गया हमें फॉर्मूला, आई थिंक सो बहुत इजी है, सिंपल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हो जाएगा टू अपॉन पाई जीरो टू एल, इंटीग्रेशन तो कर ही दिया सॉरी e raised to x upon 1 plus n square in bracket e की जगह 1 है sin of nx minus n cos of nx, clear है, simple अपने को formula values put करनी है a और b की, अब इसमें अपन limit भी put करेंगे, limit क्या अपनी 0 to pi, l की जगह पे यहाँ क्या आएगा pi, ठीक है, अब limits put करेंगे तो देखो क्या आता है, जब मैं x की जगह पे pi put करूँगा तो हो जाएगा e raised to pi upon 1 plus n square, जब यहाँ पुट करूंगा तो साइन एन पाई जीरो होता है तो हो जाएगा जीरो, कॉस एन पाई माइनस वन रेस टू एन होता है तो हो जाएगा माइनस एन माइनस वन रेस टू एन, ठीक है, माइनस ऑफ, जब यहाँ पे जीरो पुट करेंगे अपन, जीरो पुट करेंगे तो रेस टू जीरो वन होता है तो वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर होगा, साइन जीरो जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा ये, माइनस कॉस जीरो वन होता है तो यहाँ पे सिर्फ एन बाई जीरो माइनस वन, ठीक है, क्लियर है ना, लिमिट्स पुट करिए सिंपल में,
इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते तो हो जाएगा 2/5 और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा एन अपॉन 1 + n² और यहाँ पे माइनस एन रेज़ टू 5 माइनस 1 / n / 1 + n² सबसे यही फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक, तो बी एन की जगह पे अपन ये पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आया समझ कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें और उसमें क्या अंतर है, इसमें अपने को दिया 0.4 ईयर साइंस सीरीज, इसमें अपने को जो इंटरवल है ना वो डिसकंटिन्यूअस दे दिया है, बट वो 0 to π दिया है, बट 0 से π/2 वैल्यू अलग है, π/2 से π वैल्यू अलग है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा सॉल्व करने में, इंटीग्रेशन करने में, बाकी मेथड वही है। तो तुम ट्राई करना हो तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, करेक्ट है। चलो मैं बताता हूँ, अपने को दिया है ये जो साइन सीरीज निकाल रहे, तो सिंपल साइन सीरीज का फॉर्मूला होता है fx = n = 1 to ∞ Bn sin of n by x by l, l की वैल्यू क्या होगी, 0 to π इंटरवल है तो l पाई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पाई से पाई कट जाएगा, bn की वैल्यू निकालेंगे तो bn हो जाएगा bn = 2/π 0 से π f(t) sin of n by t by π dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट 0 से π है और हमें फंक्शन दो अलग अलग दिए हैं, t 0 से π/2 में t है और π/2 से π में हमें क्या दिया है, सॉरी π/2 से π में हमें दिया है π/2 फंक्शन। ठीक है, तो अब इस लिमिट को स्प्लिट कर देंगे और सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसे स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा 2/π 0 से π/2 f(t) की वैल्यू और दो t sin of n t dt और प्लस π/2 से π f(t) की वैल्यू रख देंगे अपन π/2 sin of n t dt। मैं सोच रहा हूँ मैं तुम करो सर, हाँ तुम ही करो यार, सिंपल इंटीग्रेशन ही तो करना है, बस लिमिट स्प्लिट करने वाला तो दिमाग था इसमें, बाकी तो भाई है, bn की वैल्यू निकली अपन यहाँ पुट कर देंगे अपन को साइन सीरीज मिल जाएगा। पहले मैंने ये सोचा था मैं पूरा बताऊंगा, बट अब तुम खुद से करना है, क्यों, क्योंकि ना बहुत इजी है अपने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस, हर जगह मैं बताऊंगा ना तो क्लियर नहीं होगा, तुम खुद से जो भी बार ट्राई करोगे गलत करोगे, वरना गलत करने से मत डरा करोगे, गलत करोगे तो सीखेंगे ऑब्वियसली अपन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में बहुत पॉसिबिलिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो अपन लिमिट्स पुट करते हैं तो चीजें गलत हो जाती है। ठीक है, तो इसमें लिमिट्स पुट करना आ जाएगा आंसर। तो अपन होमवर्क लिख लेते हैं, होमवर्क लिखने से पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन का ये आंसर आएगा, इसमें cos of n pi by 2 और sin of n pi by 2 की वैल्यू क्यों नहीं रहती, देखो cos of n pi by 2 जीरो हमेशा नहीं होगा, अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 से 2 कट जाएगा, cos pi बचेगा तो उसकी वैल्यू -1 होगी, तो इसको एज इट इज लिखते हैं। ऐसे sin of n pi by 2 में भी अगर n की वैल्यू 2 हो रही है तो sin pi हो जाएगा, तब sin pi by 2 की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे अपन, sin pi की वैल्यू 0 होती है, तो वैल्यूज वैरी करती है sin of n pi by 2 cos of n pi by 2 में, तो उसकी वैल्यूज नहीं रखेंगे, डायरेक्टली आंसर नहीं देगा वो। ठीक है, चलो होमवर्क ये है, इसके आंसर्स तो मैं मिल जाएंगे नोट्स में, तुम्हें पता है सॉल्यूशन आंसर दोनों मिल जाएगा, तो आंसर तुम देख सकते हो, बाकी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा लगा हो तो अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मैं तो बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा तुम्हें, और कुछ इंप्रूवमेंट है तो वो भी बताना, और कोई डाउट हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर तुम्हें डीएम कर सकते हो, अगर टाइम है बेस्ट की जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।